दोस्तों एशिया कप 2023 को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है। एशिया कप 2023 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल पर किया जाएगा, जिसकी पेशकश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने की थी। पीसीबी के पास ही एशिया कप के इस संस्करण के मेजबानी के अधिकार थे। पाकिस्तान में कितने मैच होंगे और बाकी के मैच कहां खेले जाएंगे, इस पर मैं आगे बताने जा रहा हूँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी और मैं हूँ विकास गौड़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों एशिया कप 2023 को लेकर अभी तक कहा जा रहा था कि ये किसी एक ही देश में खेला जाएगा, चाहे वो फिर श्रीलंका हो या यूएई, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया था कि वे यूएई में नहीं खेलेंगे, क्योंकि सितंबर के महीने में वहाँ काफी ज्यादा गर्मी होती है और खिलाड़ी परेशान हो जाते हैं, कई बार चोट भी ज्यादा लगती है। ऐसे में विकल्प एक ही था कि श्रीलंका में आयोजन हो इस एशिया कप का। हालांकि मेजबानी के जो अधिकार थे वो पाकिस्तान के पास थे और पाकिस्तान जाने से भारतीय टीम पहले ही मना कर चुकी थी। ऐसे में पीसीबी के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने एक हाइब्रिड मॉडल तैयार किया, जिसको एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने स्वीकार कर लिया है। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 31 अगस्त से होगी और फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप 2023 के पहले चार मैच पाकिस्तान में होंगे, इनमें पाकिस्तान का सिर्फ एक मैच है, बाकी अन्य टीमों के एक मैच और खेले जाएंगे। आपको बता दें इंडिया के ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल है, इसलिए पाकिस्तान का एक मैच सिर्फ नेपाल से पाकिस्तान में होगा, बाकी के मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप 2023 के लिए तीन स्टेडियमों को श्रीलंका में फाइनल किया गया था, जिसमें कोलंबो था, दूसरा हबनटोटा और तीसरा पल्लेकल था। हालांकि कोलंबो में इस बार मैच नहीं खेले जाएंगे, क्योंकि सितंबर में वहां का मौसम खराब हो सकता है और एसीसी नहीं चाहेगी कि टूर्नामेंट का कोई भी मैच खराब हो, जिससे कि अंक तालिका पर और जो क्वालिफिकेशन पर है उस पर कोई असर पड़े। ऐसे में पूरा का टूर्नामेंट जो है वो हबनटोटा और पल्लेकल में खेला जाएगा। कुल 13 मैच खेले जाएंगे, जिसमें एक फाइनल है और बाकी के लीग स्टेज के मैच हैं और सुपर फोर के मैच हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के कम से कम दो मुकाबले तो होंगे, अगर फाइनल में दोनों टीम पहुंचती है तो तीन मुकाबले भी संभव है। पहला मैच लीग फेज में खेला जाएगा, क्योंकि ग्रुप की टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना है। भारत के ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल है और दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम है। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान का एक मुकाबला जरूर होगा और सुपर फोर में दूसरा मुकाबला भी निश्चित रूप से होगा, क्योंकि फिर वहां राउंड रॉबिन फॉर्मेट चलेगा, जिसमें भारतीय टीम को तीन अन्य टीमों के साथ भी मुकाबला खेलना होगा। भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करती है और पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन करती है तो दोनों के फाइनल में पहुंचने के चांस है। अगर फाइनल में पहुंचने के चांस है तो निश्चित रूप से ये तीसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का होगा। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। एशिया कप का ये संस्करण वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा, इस टूर्नामेंट को कौन जीतने वाला है ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।